नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, जाकिर नायक कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन पाक गर्ल्स, पाक गर्ल ब्लंट रिएक्शन। अच्छा जी, बड़ी डिमांड आ रही थी भाई इस वीडियो की, लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज किए, इतने सारे कमेंट किए, तो मैंने कहा कि चलो यार भाई देखे जरा ऐसा क्या है इस वीडियो में, पाकिस्तान की लड़की ने ऐसा क्या कह दिया। भाई लगता है कि जाकिर नायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया क्या उसने। लेट्स सी। आपका नाम? अंबर हाशमी। अंबर हाशमी, क्या करती हैं मैम आप? मैं स्टूडेंट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान में मौजूद हैं और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी से हम बन चुके हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। खवातीन को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कहीं पे खबर ये आ रही है कि उन्होंने बोला कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, कहीं पे वो ये कह रहे हैं मीडिया पे जो लड़कियां आती हैं उन्हें कोई मर्द 20 मिनट के लिए देख ले तो वो अगर उसे कुछ ना दिल में हो तो इसका मतलब है उसे डॉक्टर पास जाना चाहिए। क्या इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगी? मुझे नहीं पता कि आपका क्या मकसद है और आपका खुद का माइंडसेट क्या है, लेकिन मैं हूँ अंबर हाशमी। ठीक है, मैं बात तब करूंगी जब आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि मेरी की भी बात आप एज इट इज इन पाकिस्तानियों तक पहुंचा सके, एज इट इज चला सके। आपने ये बोला मेरा नाम है अंबर हाशमी और आप ठीक है, आप ये जुर्रत दिखा रही हैं, आप फिर मुझे नहीं जानती। मेरा नाम है सुहेब चौधरी, ठीक है, आपने मुझे नहीं पहले देखा होगा या नहीं आप मेरे चैनल को जानती, लेकिन आपको मैं कहता हूँ आप बात करने की हिम्मत रखें। हमें मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उस बात को चला पाऊंगा। मुझे बताएं क्या स्टेटमेंट दी है जो डॉक्टर जाकिर नायक ने, उन्होंने बोला कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। बीइंग ए फीमेल, ठीक है, सबसे पहली बात मुझे डॉक्टर जाकिर नायक ये बताएं उनको ये राइट दिया किसने है कि पाकिस्तान की 52% जो अवाम है, ठीक है, उसका स्टेटस, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। यार बंद करो ये तमाशा। अच्छा। तो शुरू से लगा के रखा हुआ है, शुरू से लगा के रखा हुआ है। 1947 से पहले तक ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौम को तकसीम करते आए हैं, लड़वाते आए हैं, बांटते आए आपस में, ठीक है, वो खत्म हुआ, ठीक है जी, आपने अपना मुल्क बना लिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, उसके बाद आपने सुन्नी शिया ये वाला एहतजाज शुरू कर दिया, उससे यही रोना है हमारा। हमें नहीं पता हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमें नहीं पता हमारी रोटी कहाँ से पूरी हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बाहर से एक आदमी को जिसकी नेशनलिटी भी यहाँ की नहीं है हम उसको अलाउ कर रहे हैं, वो अगर हमें बताए कि यहाँ पर विमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी। भाई मैं अपने आप को पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी समझती हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं विमेन हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं कहता हूँ आज तो बड़ा मतलब एक अच्छा मौका मिला कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ राइट पर्सन विद राइट टॉपिक हम जो है वो ये डिस्कशन कर रहे हैं, और डेफिनेटली इन्होंने जो बात की है कि जितना मैं पाकिस्तानी हूँ एज ए मर्द, एज ए आदमी मैं जितना पाकिस्तानी हूँ, इनका भी इतना ही हक है, उनके पास भी वही आईडी कार्ड है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, उनका भी उतना ही हक है। अच्छा मेरे पास मेरी बात सुने, ये खड़े हुए इनसे पूछे अपनी बेटी के लिए ये स्टेटमेंट ये बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, इनमें से कोई करेगा नहीं करेगा भाई? पे खड़ी है, किसी से पूछ लेते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे बात करे इधर आए भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप क्या समझते हैं बर्दाश्त हो जाएगा? बोलने का मतलब वो शायद क्या, यहाँ कौन मेरी, ये हालत है हमारी आवाम की, मतलब लोगों के दिल में लोग बोल ही नहीं सकते, वो बात डर बैठा है, ये लोग मर्द हो गए इस बारे में बोल नहीं सकते, बट बीइंग ए फीमेल मैं इस चीज को डिनाय करती हूँ। अच्छा बिल्कुल जबरदस्त बात है। अच्छा मैम मुझे ये भी साथ बताइएगा, हम बात करते हैं मुसलमानों की और बात करते हैं जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, हम बात करते हैं फलस्तीन पे मुसलमान, भाई मेरी आप सुने बात, ठीक है, आप भी सुने, ये सब लोग भी सुने, वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में किस घर में नहीं होते, ठीक है, आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म, तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम पांचवी बड़ी इकोनॉमी कैसे है, ठीक वो है, कैसे चाइना को बीट कर रहे हैं? ये एक लॉजिकल बात है, अगर वहाँ पे भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ये सब इश्यूज चल रहे होते तो क्या ऐसा पॉसिबल था वहाँ पे भी फिर उन्हें भी IMF के पास जाना चाहिए था? क्या ऐसा पॉसिबल था कि वो लोग इतनी आगे इतनी तेजी से, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी और वो बिल्कुल स्मूथली चलते नजर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं फलस्तीन में क्या हो गया, इंडिया में क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया,
भाई आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का पता ही नहीं है कि आपके घर का निजाम चल कैसे रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। यहाँ पे जाहिल लोग, हर लोग, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना मकसद है, कोई मजहब के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स के नाम पे लगा हुआ है बस अवाम को तकसीम करने। ठीक है, ऐसे मौलवियों को या ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहेंगी या इनका क्या होना चाहिए? आप चले आप ही बताएं, हिम्मत करें। किसी शख्स के पास ये हक नहीं है कि वो किसी कौम को मजहब का चूर्ण देके या गलत इल्म देके डिवाइड करे। हर वो शख्स जो कौम में इस टाइम कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, उनकी स्टेटमेंट है। मुझे आप एक बात बताएं, वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है, तो पाकिस्तान वो लेने क्या है? अच्छा हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही हैं, स्टिल कर रही हैं। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल हैं, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है भाई। ठीक है, पाकिस्तान चल रहा है भाई, अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज ऐसा है, मतलब ठीक है, बीबी को नेता बनना है, चलिए अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लीडर बनना है, आप स्टूडेंट भी हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं, इट्स गुड। कम से कम आप समाज के बीच जा रही हैं, लोगों से मिलती होंगी, बातें करती होंगी, उनके दुख दर्द में शामिल भी होती होंगी। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, सवाल ये है कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि बेनज़ीर भुट्टो भी आपके देश की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, मरियम नवाज अभी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, लेकिन दोनों के खिलाफ थे लोग वहां पर। और मेरा सवाल इससे है, जो भी इस्लाम का जानकार है, क्या इस्लाम इस बात को अलाउ करता है कि आपके ऊपर जो हुक्मरान हो वो एक विमन हो, एक महिला हुक्मरान हो? आई डोंट थिंक सो। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आपका हुक्मरान एक महिला हो, एक महिला आप पर राज करे, एक औरत आप पर राज करे, क्योंकि आपके मुल्ला मौलवियों के मुताबिक, मुल्ला मौलवियों के मुताबिक इस्लाम कहता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं इसकी एक वीडियो क्लिप लगाऊंगा, एक मुल्ला कह रहा है कि औरत बेसिकली जानवर है, वो भेड़ की तरह है, वो बकरी की तरह है, वो जानवर है, बस उसे इंसान के रूप में ऊपर वाले ने बना दिया ताकि मर्दों को डर ना लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है औरत। मैं नहीं कहता, ये इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं। अब आप बताइए कि ये इस्लाम सही इस्लाम बता रहा है या गलत बता रहा है, सुनिए। مثل گاو و گوسفند که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن، اینا این عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولیکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. میرے کو دوش مت دینا بھائیو، یہ مولانا نے بتایا ہے، ये किसी हिंदू पंडित ने नहीं बताया, किसी हिंदू ने नहीं बताया, किसी काफिर ने नहीं बताया, मौलाना बोल रहा है, जाकर सर्च कर लेना जो भी है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। दूसरी, पाकिस्तान में अगर इतना ही ज्यादा महिलाओं को इज्जत दी जाती है, इतना ही ज्यादा अच्छा समझा जाता है, तो जेंडर इंडेक्स में पाकिस्तान कहां पाया जाता है? जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान कहां है, कौन से नंबर पर है? डेटा दिया है, जरा पढ़ लीजिए। जेंडर इक्वालिटी में पाकिस्तान दुनिया के सबसे खराब मुल्कों में शामिल होता है, ऊपर से नहीं नीचे से नंबर आता है इसका। और आप लोग बात करते हैं कि महिलाओं को आप लोग इज्जत देते हैं, इस्लामिक कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है महिलाओं को, तो जेंडर इक्वालिटी कहां घुसी हुई है भाई? ये इज्जत है आपके यहां के रिपोर्ट के, आप पता नहीं इंटरनेशनल रिपोर्ट ही क्या आपके यहां की थी, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की छठी सबसे खतरनाक कंट्री है औरतों के लिए। इसका कोई जवाब है आप लोगों के पास? छठी सबसे खतरनाक कंट्री है औरतों के लिए, लेकिन इस्लामिक कंट्री, और इस्लाम में तो महिलाओं को बड़ी इज्जत दी जाती है भाई साहब।
कहने में और जमीन पर रियलिटी में एकमत होना चाहिए, एक जैसी चीज होनी चाहिए कि जो मैं दावा करूं उसका मैं सबूत दूं, दोनों मिले। लेकिन मैं दावा कुछ कर दूं और सबूत कुछ और, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, हजम नहीं होती ये बात। बाकी आपकी मर्जी है। मतलब ठीक है, इस्लाम में कहा गया है कि भाई खवातीन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, और फिर हमने अगर इस्लाम को मानना है तो पाकिस्तान में बकायदा शरी। अच्छा चलिए, ये शोएब चौधरी ने कह दिया कि इस्लाम में कहा गया है कि खवातीन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, मतलब बात प्रूफ हो गई। चलिए, निजाम होना चाहिए, जो चोरी करे उसके हाथ काट दो, पाकिस्तान में सूद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम फिर क्यों IMF के पास जाते हैं सूद लेने? आपने IMF की बात की है, मेरी बात सुने। सूद जो है, सूद क्या है? अल्लाह से जंग है, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह पाक से जंग है। आपका मुआशी निजाम अल्लाह पाक के सख्त सख्त नाराजगी वाले अमल के तहत चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि औरतें घर में बैठे घर बैठे, उसके बावजूद रोटी आपकी नहीं पूरी हो रही, आप सूद लेके खा रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अल्लाह पाक से जंग कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी रोटी ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही, आपकी यहाँ पे जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं हो रही, और आप डिनाय कर रहे हैं अपनी कौम के आधे हिस्से को इंडिविजुअल मानने से। ठीक है, आधे हिस्से को कौम का आधा हिस्सा, आधी स्ट्रेंथ मानने से, कौम का राइट देने से। हाँ जी, आप वो कर रहे हैं, और फिर आप ये चाहते हैं कि आप जो है वो तरक्की कर जाएं, आप स्ट्रगल कर जाएं, सिर्फ एक चार दीवारी बना लेने से कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये आप भी सुन लें और ये सब पाकिस्तानी भी सुन लें, जो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, हर वो शख्स, ठीक है, वो जो भी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मौलवी है, जो जो लोग मुल्क में नफरत फैलाने का जरिया बन रहे हैं ना, वो सब मजहब के नाम पे, वो सब इस चीज के हकदार हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें, उनको लटकाएं। मुल्क का अमन जो है, ठीक है, वो इतनी छोटी चीज नहीं है, पता चलना चाहिए हर उस शख्स को, ठीक है, हर उस तबके को जो मुल्क को, जो कौम को तकसीम कर रहे हैं और नफरत का मैसेज दे रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ, मैं इन्हें सलूट करता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये इनका क्या सिस्टम है, क्या बैकग्राउंड है, या जो भी मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये हिम्मत दिखा रही है, और ये आप देखिए जिस तरीके से पब्लिक में खड़े होकर ओपनली बात कर रही है, पब्लिक से बात उस तरीके से ना कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अमीनुल्लाह। अमीनुल्लाह भाई, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं, मौलाना हजरत अपना चूरन बेच रहे हैं, सियासतदान अपना चूरन बेच रहे हैं, इसके ऊपर कौन बात क्यों नहीं कर रहा कोई? आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं ना, इन लोगों की समझ जाए कि क्या वजह है, क्यों लोग डरते हैं बात करने से, क्यों हेजिटेशन फील करते हैं? आपको डर नहीं लगता? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले मेरी नजर में मेरी इज्जत है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेरी, मेरे सामने मैं अपने लिए बोलूंगी, तभी तो मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ कर सकूंगी ना। हम कब तक दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते रहेंगे और दूसरों से उम्मीद लगाते रहेंगे कि मुल्क में चेंज आए, मुल्क में चेंज आए? आई वॉन्ट चेंज, तो सबसे पहले मुझे मेरी जात को इज्जत देना पड़ेगी, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, वो मुझे कन्वे करना पड़ेगा, देन ही मैं पाकिस्तान की बाकी आवाम की आवाज बन सकती। जबरदस्त, कम अज कम इस बात पे क्लैपिंग तो करते हैं कि कम अज कम आपके लिए बात कर रही है एक लड़की, हो गए आप लोगों के लिए बात करिए, ये लोग क्यों नहीं बोलते? अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हो, खैरियत से हैं? हाँ खैर। मुझे बताएं पाकिस्तान में ये जो बेरोजगारी है, बदअमनी है, ये जो मौलवी हजरात हैं, ये मैडम का कहना, मैम इधर आप साथ आइएगा, ये मैडम का कहना है कि मौलाना हजरात चूरन बेच रहे हैं, लोगों को नफरत में बांट रहे हैं एक दूसरों को, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये पाकिस्तान में बदअमनी की वजह क्या है, बेरोजगारी की वजह क्या है? क्या वजह? बेरोजगारी, जवान बच्चे नौकरियां नहीं दे रहे, नौकरियां नहीं दे रहे, और नबीने बेचारे बैठे। मुझे बताएं औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए? नहीं, नहीं करनी चाहिए? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आपके सामने इधर आ गए? आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या वजह? बेटा आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें, मर्द के काम में घर बैठे। मुझे बताएं वो खवातीन जिनके घर में जिसका बाप मजदूर है या अंधा है या जिसके घर में कोई मर्द नहीं है या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? वो माशरे के किसी और मर्द को कहे घर बैठ के काम करे, क्या करे? तो वो भी तो काम है ना सर, तो फिर आप इस हक में तो हुए कि औरत काम करे, ठीक है? नहीं, या तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की जितनी भी खवातीन है चुप करके घर बैठती है पर्दे में, हम इनके घर में जो भी इनकी जरूरियात है वो पूरी करेंगे। ये रीजन आप देख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है। ठीक है,
अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम का नहीं है, ठीक है। इनको बता दिया गया है औरत का काम करना गलत है, दैट्स इट। तो बस उन्हें ये लॉजिक नहीं पता कि कैसे नहीं पता। गलत है क्यों गलत है, इनसे पूछते हैं, एजुकेटेड लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अच्छा, क्या करते हैं सर? मेडिसिन कंपनी में, मेडिसिन का काम करते हैं ये मैम। अभी यहाँ पे बहुत से लोग इन्हें सुन रहे हैं, मैं खुद हैरान हो गया हूँ इनकी जुरत को। मैं एक दफा फिर से सलूट करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे खड़े होके कह के पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन, जो भी मौलवी हजरत मजहब के नाम पे अवाम को डिवाइड कर रहे हैं, नफरतें बांट रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दो। क्या डाल देना चाहिए जेल में? हाँ, ये देखें आप में इतनी हिम्मत कैसे है? कोई बंदा नहीं बोल रहा, क्या आप कहना चाहेंगे? आप बात करेंगे? अवाम भाग रही है, यही करेंगे भाई। अगर आपने देखा नहीं है यहाँ पे कोई किसी को सिर्फ गलत कह दे, क्योंकि हमारे पास आजादी नहीं है। अच्छा, बात करने की आजादी नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने की आजादी नहीं है। आप इलीट्स की बात करते हैं, आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, आप मुल्ला हजरात की बात करते हैं। आपने देखा, मैं बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग इंडिविजुअल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे इंडिविजुअल के सामने नहीं रख सकती। ऐसे ही है, वो अपना फैसला सुना देगा। क्यों? क्योंकि उसको सोशलाइज इस तरीके से किया गया है, क्योंकि उसका माइंडसेट जो है वो बिल्ट इस तरीके से किया है कि किसी और की सुननी ही नहीं है। जो तुम्हें सिखा दिया है, जो तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दिया, दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ फैक्ट। तो ये सोच कैसे बदलेगी? मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ सोच कैसे बदलेगी। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात किया, जब तक मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगा, अपनी सोच को बदलूंगा नहीं, ये अपनी सोच को, जो भी लोग हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं या जो ये सोच रखते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में ये वाला निजाम, इन लोगों से, आप सब लोगों से खड़े हैं, एक सवाल है, किसने बताया आपको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग सिर्फ इस पर क्यों, आप लोग खुद समझते क्यों नहीं है? आप लोग खुद रिसर्च क्यों नहीं करते? भाई अपने, आपके पास दीन की किताबें हैं, आपके पास दुनिया की किताबें, आपके पास हर तरह का इल्म है। इस टाइम ये है ना, ये मोबाइल फोन इस टाइम छोटे से छोटे बच्चे के हाथ पे है। वो खुद एक जो स्टेटमेंट आती है किसी मौलवी की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी की भी, आप लोग खुद उसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते? आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? हमें बस डाल ये दिया गया ना आगे भाई, हमें ये बता दिया गया फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। इधर किसी से भी पूछे, भाई जान फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाएंगे? फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आवाज उठाएंगे? मतलब इसके लिए वो, आप क्या कहना चाहेंगे? फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए बात करेंगे? वो तो बुरा रहा है, लेकिन ये है कि आवाम को अपने आप के लिए बस अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, खुद नहीं कुछ करना चाहिए, दुआ मांग ले। क्या मतलब मैम, आप मुझे बताएं, हमें ये बता दिया गया जी फलस्तीन में जुलम, कश्मीर में बताया गया इंडिया में से, पूछ लें इनमें से आधे से ज्यादा बंदों को ये पता नहीं होगा क्या कि हमारे अपने मोहल्ले में फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है। यहाँ खड़े एक बच्चे को बताए, लेकिन इनके अपने मोहल्ले में कितने लोग, अपने पाकिस्तान में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कितने लोग हैं और वो खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, या उनके मसाइल क्या है? कितनी लड़की हैं जो सेफली, जो आजादी, जो आराम से बाइजा तरीके से गली से गुजर नहीं सकती? ठीक हो गया, अकेले। तो हम पहले अपने आप, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं होगा, पर ये सबको पता है कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, वो गए, सबको पता है। ठीक है, कितनी बच्चियाँ सिर्फ इस वजह से स्कूल छोड़ के बैठ जाती है, होनहार होती है, जहीन होती है, एजुकेटेड होती है, जॉब छोड़ के बैठ जाती है, स्टडी छोड़ के बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सेफ एनवायरनमेंट मैसर ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए, वो इनको नहीं पता होगा। हमें ये देखना चाहिए कि अगर इस्लाम में ये मौजूद है कि खवातीन पर्दा करें, तो उससे पहले इस्लाम में ये मौजूद है कि मर्द हजरात अपने जो नजरें हैं, जो अपनी नीयत है, जो अपनी सोच है, उसे बेहतर करें। हम खवातीन को पर्दा करवाने चल पड़े हैं, बैंड बट्टा ले लें, ये कर लें, हमें ये नहीं पता कि हमने भी अपनी नजरों में हया रखनी है। हमें ये नहीं पता कि अगर कोई भी लड़की किसी मजबूरी की वजह से काम कर रही है, तो उसे हमने सेफ एनवायरनमेंट देना। बात सुने, मैं इस्लाम के किसी हुक्म को डिनाय करती ही नहीं, लेकिन बात ये कि जिस तरीके से बता रहे हैं, वो उतना बता रहे हैं जितना उनको बताना है, जितना उन्हें चुरन भेजना है। आपको आपको किसने अथॉरिटी दी है? दीन जिस तरह आपके पास आया होता, हमारे पास भी आया, इनके पास भी आया, इनके पास भी आया, ये खुद क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, ये खुद क्यों नहीं समझते? ठीक हो गया, मैं दीन के हर हुक्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उसको मुकम्मल, उसको पूरा कन्वे किया जाए। नहीं, तो ये अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी लोग मुल्ला हजरात आधे आधे इनके साथ सिर्फ खवातीन की तरबियत करने पे लगे हुए हैं, सिर्फ खवातीन को चेंज करने पे लगे हैं, भाई ये दीन सिर्फ खवातीन पर नहीं उतरा, पूरी इंसानियत के लिए उतरा है। अच्छा, ठीक है, तो मर्दों के लिए भी उतना ही है, मर्दों के लिए भी उतना ही है। उनको उनके हिस्से का दीन भी सिखाएं, उनको उनके हिस्से का पर्दा सिखाएं, उनको उनके हिस्से की परहेजदारी भी सिखाएं। जबरदस्त हो गया जी, क्लैपिंग बनती है इस बात पे। मैं कहता हूँ
स्टेट सलूट में मेरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। अच्छा मुझे लास्ट में ये बता दें, क्या समझती हैं पाकिस्तान में खवातीन के क्या इश्यूज हैं जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं? आपने बोला आप सोशल एक्टिविस्ट हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके। मुझे बताएं इश्यूज क्या है पाकिस्तान में आपसे अगर पूछा जाए जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? सबसे बड़ा इशू है एक्सेप्टेंस का। आपने एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, आपने जॉब्स देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक आपके माइंडसेट में है। आप लोग यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो हमारे ही जितनी टैलेंटेड है, वो हमारे ही जितनी एनर्जी, जी हाँ, हमारे ही जितनी एनर्जेटिक है, बल्कि हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं घर संभालने वाली, और आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको हार्ट डिजीजेज हो जाती है, आप बीपी के आपको मरीज हो जाते हैं, लेकिन खवातीन में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है, कुदरत ने इतनी ताकत रखी है, वो घर को चला भी सकती हैं, घर को संभाल भी सकती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। फिर बड़ी बात ये कि अगर खवातीन एजुकेटेड नहीं होंगी, अगर लड़कियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, तो कल को आपकी बीवी, कल को आपकी बेटी, कल को आपकी कोई भी रिश्तेदार लड़की जब प्रेगनेंट होगी तो क्या डॉक्टरों से उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे? ये थोड़ी सख्त बात है, लेकिन ये है कि क्या तभी तो पर्दा का फिर वो सारा निजाम खराब होगा? क्या फिर आप किससे ट्रीट करवाएंगे, ऑपरेट किससे करवाएंगे? वो औरतें चाहिए, और औरतों के लिए आपको एजुकेशन देना जरूरी है। ये मैंने कैसी बात की है? बहुत जबरदस्त बात की। मेरी सोच आपसे मिलती है। मैं अगर आपने पर्दे को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एजुकेशन, ठीक है, जॉब्स और सेफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है खवातीन के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खवातीन का पर्दा सलामत रहे, तो भाई अपनी खवातीन को फैसिलिटेट करने के लिए खवातीन को इस काबिल बनाएं। ठीक हो गया। जितने भी लोग यहाँ पर इनके आसपास मौजूद है, घंटा उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उन्हें आइडिया भी नहीं लग रहा है कि ये मैडम जो हैं ये क्या बातें कर रही हैं और क्यों बातें कर रही हैं और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। उनको वही बात समझ में आएगी जो मौलवी समझाएगा, मौलाना समझाएगा, उनको बस वही बातें समझ में आएगी। और पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ रहा है, मैं तो कहता हूं बढ़ता रही, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक हो गया। वहाँ वो बैठी हो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके मसले हल करने के लिए, ठीक है। उधर से आप औरत को एजुकेट नहीं करना चाह रहे, उधर से आप उसको जॉब की परमिशन नहीं देना चाह रहे, और उधर से आप कहते हैं कि सोसाइटी में जब औरत मूव करे तो उसका मेल के साथ इंटरेक्शन ही ना हो, कैसे होगा जब आपने सारी सीट्स, सारी फील्ड्स खुद ऑक्यूपाइड? इस टाइम दुनिया में कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लगता है कि खवातीन, पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कि यार इस फील्ड में खवातीन काम नहीं कर रही या नहीं कर सकती? मुझे बताएं अगर आपको पता है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है, है ही नहीं जहाँ खवातीन काम नहीं कर सकती। हाँ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इस टाइम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, उनमें आप कह सकते हैं कि खवातीन की एक्सेस नहीं है, एक्सेस पे बात की जा सकती है, एक्सेस नहीं है, उनको फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, उतना एजुकेट नहीं किया जा रहा, वहाँ तक उनको मोबिलिटी नहीं दी जा रही, लेकिन ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें खवातीन आगे बढ़ नहीं सकती। इंजीनियरिंग को देख लें, मेडिकल को देख लें, आप इवन के आप स्पेस साइंसेस को देख रहे हैं, हर चीज में भाई अल्लाह पाक ने जो इंटेलेक्चुअल लेवल मर्द को दिया है वही औरत को दिया है। जबरदस्त हो गया। अब देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा जो इसरो है, वहां पर कितनी वुमेन साइंटिस्ट काम करती हैं और बड़ी जबरदस्त काम कर रही हैं। हमारे मंगलयान को लीड किया, चंद्रयान को लीड किया, वुमेन साइंटिस्ट ने धमाल मचा दिया, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लीड किया है। अग्नि मिसाइल जो हमारी सबसे जबरदस्त मिसाइल है, लंबी दूरी की, मतलब मीडियम रेंज की भी है, उसको एक महिला ने लीड किया, वुमेन साइंटिस्ट ने लीड किया उन्होंने। आप समझ सकते हैं स्पेस साइंस से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में वुमेन लीड कर रही है, बड़े से बड़े बिजनेस वुमेन चला रही हैं, सैकड़ों करोड़ के बिजनेस, 200 करोड़ 400 करोड़ के बिजनेस वुमेन्स चला रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में वो सीईओ हैं। क्यों है? क्योंकि कैपेबिलिटी की कमी नहीं है उनके अंदर। हमारे यहां एक डैम है, एक डैम है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उस डैम की पूरी देखरेख, उस डैम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो महिलाओं के पास, वो डैम वुमेन चलाती हैं, उसमें क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, सारी चीजें
वुमेन्स करती हैं। और हमारे यहां विमन ये नहीं कि सिर्फ हिंदू महिलाएं कर रही हैं, हमारे यहां सबको मौके बराबर हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, किसी भी रिलीजन की किसी भी जगह से आती हूं, सबको मौके मिल रहे हैं। जिनके पास टैलेंट है उनके पास मौका अपने आप पहुंच रहा है। महिलाएं हमारे यहां ट्रेन चला रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, मेट्रो ट्रेन चला रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं भाई। ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जहां पर महिलाएं काम नहीं कर रही, और किसी रहमो करम पर काम नहीं कर रही, अपनी काबिलियत से काम कर रही। जबरदस्त हो गया। मैं मुझे बताएं आपका नाम। अंबर, अंबर हाशमी। अंबर हाशमी, मुझे ये बताइएगा क्या पाकिस्तान में चेंज आ सकता है? आपने जो बात की है, कितने परसेंट लोग ऐसी बात करते हैं? कितने परसेंट लोग ये कहते हैं कि मोल, आपने जो हिम्मत की है कि मौलवी जो नफरत बांट रहे हैं उन्हें जेल में डाल दो, क्या आप इस स्टेटमेंट को दोबारा बोल सकती हैं? मैं ओपनली बोलती हूँ क्या, और ये स्टेटमेंट यकीन करें, यहाँ में खड़े अगर 100 लोग खड़े हैं ना, 100 में से 50 लोगों के दिल में यही बात होगी। क्या? क्योंकि हर शख्स को हैसियत है पाकिस्तानी, अपने मुल्क से प्यार है। कोई शख्स नहीं चाहता कि उसकी आंखों के सामने उसका घर टूटे, उसके घर में फसाद पैदा हो। ये पाकिस्तानी मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी कि मेरे घर में किसी भी पॉइंट को लेके कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी फैक्टर नफरत पैदा करे या इख्तलाफ पैदा करे या कौम को तकसीम कर दे। हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करते हैं कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अवाम को पता हो और बाहर से आके कुछ भी बोल जाने वालों को पता हो कि ये लावारिस मुल्क नहीं है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया। लावारिस मुल्क तो है कैसे, ये तो इसका वारिस ही नहीं कोई पाकिस्तान का। और दूसरी बात, जाकिर नायक ने तो जो करना था, जो कहना था कर दिया। जाकिर नायक ने पाकिस्तान के समाज को डिवाइड कर दिया। जाकिर नायक ने मुसलमानों के फिरकों को फिर से डिवाइड कर दिया। जाकिर नायक ने पॉलिटिकल एलीट को डिवाइड कर दिया। जाकिर नायक ने सोशल मीडिया को उसमें बांट दिया अलग अलग फिरकों में। तो जाकिर नायक ने जो करना था वो कर दिया उसने। आज पाकिस्तान की थूथू हो रही है, पाकिस्तानी ही थूथू करा रहे हैं, वो जाकिर नायक पर थू बोल रहे हैं। तो अब समझ में आया कि मैंने आज से एक हफ्ते पहले क्यों बोला था कि पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है कि वो किस बला को लेकर गए अपने यहां। एक हफ्ते में उस बला ने क्या किया है देख लीजिए। और मैं फिर कहता हूं, जाकिर नायक रा का एजेंट है, अब आप माने चाहे मत माने। जाकिर नायक ने क्या किया, डिवाइड कर दिया ना पाकिस्तान के हर लेवल पे, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया उसने। अब बताइए, जाकिर नायक कहता है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जाकिर नायक कहता है कि YouTube से कमाई हराम है, कहा उसने ना, YouTube से जो एंकर आके कमाई कर रहे हैं हराम है। और ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, खुद उसका YouTube चैनल है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, उससे कमाई कर रहा है, उसके लिए हराम नहीं है, दूसरों के लिए हराम है। रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की, तो देखिए सऊदी अरबिया ने एक और जबरदस्त काम किया है। सऊदी अरबिया ने म्यूजिक को अलाउ कर दिया स्कूल्स में, 9,000 विमेन टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स वो रख रहा है, ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, 9,000 विमेन टीचर्स रख रहा है। मुल्लाओं को तो एक और बड़ा जख्म दे दिया फिर से MBS ने, इतना बड़ा जख्म दे दिया, क्या करेंगे अब मुल्ला। म्यूजिक सिखाया जाएगा अब सऊदी अरब में, और देखिए इसमें म्यूजिशियंस पैदा होंगे, इसमें टीचर्स की नौकरी लगेगी, वुमेन्स की नौकरी लगेगी, इसमें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बेचने वालों की दुकानें खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फैक्ट्री खुलेगी, कितना बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा। और उससे आखिर में फायदा किसका होगा, फायदा होगा सऊदी अरब गवर्नमेंट का, उसको टैक्स में पैसे मिलेंगे, एक और सेक्टर ग्रो करेगा। ये होता है विजडम। और सऊदी अरबिया ने अब सीख लिया है कि देखिए अपनी 50% आबादी को वो दबा के रखेगा तो उसका फायदा नहीं है, उनसे काम लेगा, उनको शामिल करेगा तो वो डबल रफ्तार हो जाएगी ना, जहां एक बंदा काम कर रहा था वहां पे दो बंदे काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा और ओवरऑल कंट्री के लिए फायदेमंद होगा। तो सऊदी अरब ने तो सीख लिया, सऊदी अरब ने तो अपना रास्ता बदल दिया।
पाकिस्तानी आप कब बदलोगे? मैं तो कहता हूँ बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो, और ज्यादा रेडिकल हो जाओ, और ज्यादा रिजिड हो जाओ, ठीक है? कमेंट करिए दोस्तों, आप बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,